कम से कम आधा घंटे का आउटडोर प्ले बच्चों को हर रोज मिलना चाहिए। ये बच्चों के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आमे बर्तमान बालबाटिकारे अच्छू, एनसीईआरटी रो एलिमेंटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड सुनीत इमाम आम सहित अच्छा सीधा सड़क तक सहित आलोचना करवा। आप देखिपे बालबाटिकार झलक सबुठ बर्तमान जी भिड़ कहे अधिक रस कहे बर्तमान बालबाटिका रही कहीं पीएम आसला बालबाटिका को लेकिन बर्तमान सबुठी चर्चा। मैम अभी जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, जितने भी एग्जीबिशन है, सारे से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा भीड़ बालबाटिका में है, जो रौनक ज्यादा आ गया है पीएम के आने की वजह से, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें पहली बार जो प्रारंभिक अवस्था है, 3 से 6 साल के बच्चे जो प्री स्कूल एजुकेशन है, वो पहली बार एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते हैं कि प्री स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे, उनका फोकस होता है ABCD लिखो, 1 2 3 4 लिखो, पेजेस आफ्टर पेजेस लिखो, बच्चे रो रहे होते हैं, पेरेंट्स मार रहे होते हैं उनको सीखने के लिए, जाने के लिए भी उनका मन नहीं होता है। तो इसलिए कैसी होनी चाहिए, तो हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि खेल के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक शोकेस कर रहे हैं कि एक बालवाटिका है या 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्लासरूम है, वो कैसा डिजाइन होना चाहिए उसका, तो बड़ा या छोटा होगा। तो जैसे आप देखेंगे कि ये हमने बहुत सारे लर्निंग एरियाज हम इनको बताते हैं। अगर क्लासरूम छोटी है तो आप इनको रोटेशनल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी कि ये हमने एक आउटडोर प्ले क्रिएट किया है। आउटडोर प्ले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और ये कहा जाता है कि कम से कम आधा घंटे का आउटडोर प्ले बच्चों को हर रोज मिलना चाहिए। ये बच्चों के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे काम करते हैं, हम एक डिस्प्ले करते हैं, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चों को मिलता है। तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे स्कूल में करते हैं, ये सब क्लासरूम में डिस्प्ले होता है, तो बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। यहाँ पे हमने एक फाइन मोटर स्किल्स के लिए बनाया है, तो ये खाली धागे दे देते हैं। अब बच्चे इसको पिरो के अपना जो भी चाहे, फूल बनाना चाहे, ABCD बनाना चाहे, वो इससे बना सकते हैं। तो इस तरह से उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, मोटर कंट्रोल बच्चे सीखते हैं और क्रिएटिव एबिलिटी भी उनकी डेवलप होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बच्चे बना। इसमें हमने ये कई सारे कार्ड्स रखे हैं, तो कई बार जब बच्चों के पेंसिल ग्रिप रेडी नहीं होती है तो भी हम फोर्स करते हैं सिखाओ। तो ये कार्ड है जो कि कहीं पे भी आप लगा दे, बच्चे आते जाते सीधे ऐसे आते जाते इसको ट्रेस कर लेंगे। तो दो बातें होती हैं, एक तो बच्चे जो अक्षर लिखने का सही वो सीखते हैं, और खाली ट्रेस करते करते खेल में वो अक्षर लिखना सीख जाएंगे, उनको आपको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत तरह के भी खेल होते हैं, जैसे कि क से कछुआ, क से कलम, और कौन से तुमको चीजें पता हैं जो कि क से शुरू होती हैं, उस तरह के आप खेल करा सकते हैं बच्चों के साथ में। तो और ये जो एक है, ये हमने मैनिपुलेटिव एरिया बनाया है। इसमें आप देखेंगे हर चीज बच्चे को मैनिपुलेट करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ये हटा देंगे, बच्चे को लगा के देखना है। ये एक बोर्ड है जैसे फाइन मोटर है, ये एक फीली बैग है, इसमें बच्चे को हाथ डाल के जो भी उसके पास शेप है उसको बताना है, वर्बलाइज करना है कि वो क्या देख रहा है। ये सेल्फ करेक्टिव कार्ड है, ये यहाँ पे आप देखें सेल्फ करेक्टिव कार्ड है, ये पजल्स हैं, तो इस तरह से ये जोकर कार्ड हैं। आप इनको मल्टीपल तरह से बच्चे क्लासिफाई कर सकते हैं, आप इनको शेप के अनुसार कर सकते हैं, कलर के अनुसार कर सकते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन के अनुसार कर सकते हैं। ये है जिसमें भूल पकड़ो, देखो इसका नाम बताओ और बताओ कि क्या गायब है। तो आप देखेंगे जो फोकस है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे, सेल्फ करेक्टिवनेस पे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे, क्लासिफिकेशन, मैचिंग, सॉर्टिंग। तो प्री स्कूल में ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ABCD सीखना, वो इवेंचुअली आ जाएगा। तो ये कैसे खेल खेल में, तो ये जो सेंटर्स हैं ये बच्चा अपने हिसाब से खेल सकता है। ये एक सैंड ट्रे है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं और बच्चा ए जैसे जब लिखना सीखे या जो भी बनाना सीखे, इसको थोड़ा गीला करते हैं तो बच्चे
बहुत तरह की इसमें शेप बनाना सीख जाते, तो विदाउट प्रेशराइजिंग ये एक हमने रीडिंग एरिया बनाया है। और रीडिंग के लिए बच्चों को एज अप्रोप्रिएट किताबें मिलना बहुत जरूरी है, तो ये एक मी टाइम है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और इससे बच्चे बहुत सारा चीजें, ये फाउंडेशन है लर्निंग टू रीड सीखने के लिए। ये हमने एक रीडिंग एरिया क्रिएट किया है, बच्चे यहाँ पे बैठ के अपने मन पसंद की किताबें पढ़ते हैं, तो जब वो किताबें खोल के देखते हैं तो जब हम जो हम किताबें उनको दिखाते हैं, बहुत तरह की चीजें, जैसे कि हमें ये पता है कि ये इलस्ट्रेशन के मीनिंग होते हैं, जब हम पढ़ के सुनाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, टॉप टू बॉटम पढ़ा जाता है, इलस्ट्रेशन भी हमें कोई कहानी सुनाते हैं, और म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली जाने किससे डरती बिल्ली, इसमें राइम क्या है, करती डरती बिल्ली कैसे बोलती है, ची ची चू चू है गोरैया थोड़ा दाना डालो भैया, गोरैया भैया राइमिंग है, तो इस तरह से जानवरों की आवाज भी बता रहे हैं, भाषा के खेल कर सकते हैं, तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारी उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होती है। इस तरह से आप देखें, इसी तरह से हमने एक राइटिंग एरिया दिया है, क्रेयॉन्स हैं, स्लेट है, बोर्ड है, तो बच्चे की जो फर्स्ट स्टेज है राइटिंग की वो ड्रॉइंग है, तो बच्चे ड्रॉइंग करके बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं। ये डिस्कवरी एरिया है, जो बड़े लोग साइंस समझते हैं वो छोटे बच्चों के लिए डिस्कवरी है, जैसे कि भारी और हल्का क्यों, ये तराजू ऊपर नीचे क्यों होगा, और या ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जब अगर आप इसमें देखते हैं तो आपकी नीचे वाली रखी वस्तु बड़ी दिखती है, तो ये बच्चे डिस्कवर कर रहे हैं नई नई चीजें। ये एक म्यूजिक एरिया है, म्यूजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चे के लिए म्यूजिक डांस मूवमेंट बहुत जरूरी होते हैं। ये एक पपेट एरिया है, इसमें ग्लव पपेट है, कई तरह की पपेट्स रखी हैं, ये कहानी सुनाने के लिए बच्चे अपनी बात बोलते हैं, तो जो भी मैं कहना चाहती हूँ मैं आपसे कह सकती हूँ, तो ये पपेट एरिया हमने क्रिएट किया है। और ये डॉल कॉर्नर है, ये इम्पोर्टेंट है, ड्रामेटिक प्ले, इससे बच्चे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और बच्चे अपनी फीलिंग, जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने सुई लगाई, तो जो उसकी लाइफ में हो रहा होता है वो ये इसके थ्रू, तो ये डॉल कॉर्नर और ड्रामेटिक प्ले एरिया है, तो ये हम जिस तरह आप बताए, मेरे को थोड़ा जेलस भी फील हो रहा है कि हमारे टाइम में भी ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे टाइम में डर था स्कूल जाने के लिए, वो सब चीज खत्म हो गया है लगभग, जैसे कि हम कल देखे कि पीएम को पास पाने में भी बच्चे कितने उत्सुक थे, वो काफी वायरल भी हो रहा है वो वीडियो, तो ये हुआ कि पीएम के आने से ये अच्छी बात हुई कि जो हम कॉन्सेप्ट देते थे और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स कई सालों से कह रहे हैं वो अब पब्लिक तक सीधे पहुंच गया, लोग अवेयर हैं और लोग देखने आ रहे हैं बाल वाटिका क्या है, उन्हें समझ आ रहा है कि जैसे आपने कहा, जैसे कई सारे लोग मिल रहे हैं कि हमने नहीं किया ऐसा, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप कर सकते हैं, आपने मिस किया बट आपके बच्चों का मिस नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आप और एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि बता जाता है कि जो 3 साल तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है माइंड, वो एम पीरियड होता है, उसी टाइम में वो ज्यादा कैच कर लेते हैं, तो बाल बाटी का जो कंसेप्ट एनईपी लेके आया है, इस कंसेप्ट को आप खुद तो निभा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैसेज हमारा एक ही है कि एज अप्रोप्रिएट, जो देखिए जब आप जल्दी से ABCD लिखाना सिखाते हैं, जब आप रेपिटेटिव राइटिंग, मतलब आप एक पेज ए ए ए ए लिखते चले जाओ, आप जब ऐसे सिखाते तो वो बच्चे के लिए बहुत बोरिंग और मंडेन हो जाता है, तो इसलिए जब आप उसको फ्री छोड़ देंगे, जैसे मैंने कहा ट्रेसिंग कार्ड दे दे, आप सैंड में कहो कि ए लिखो, बच्चा लिखना, आपको लिखना सिखाना है ना, आप खेल के द्वारा भी लिखना सिखा सकते हैं उसको, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा मैसेज ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं प्री स्कूल के नाम पे, दे शुड कम रीड द डॉक्यूमेंट, और वो देखें कि कैसे एज अप्रोप्रिएट पेडागॉजी क्लासरूम में उन्होंने देनी चाहिए, कैसे खेलों के द्वारा और गतिविधियों के द्वारा मजे मजे में बच्चे लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। और ये हमारा जादुई पिटारा जो है, उसमें हमने ये जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये रखा है, इसमें एक टीचर गाइड है, इसमें बच्चों के लिए एक एक्टिविटी बुक है, इसमें 40 किताबों का एक सेट है जिसको, जो ग्रेडेड सीरीज है, उसमें पहली किताब
एक एक सेंटेंस की कहानी और दूसरी किताब दो सेंटेंस की, तीन सेंटेंस की, चार सेंटेंस की, ऐसे ग्रेडेड रीडिंग सीरीज है। इसमें बहुत सारे टॉयज हैं, बोलेंगे तो खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई। तो जादुई पिटारा अगर आप ले लेंगे तो आपके पास सारा शिक्षण सामग्री पांच पांच वर्षों के लिए, ये लोगों के लिए अवेलेबल है। और हम ये कह रहे हैं कि आपको क्यों लेना है एनसीईआरटी का पिटारा, आप उड़ीसा में रहते हैं तो आप अपना पिटारा बनाओ ना, आप अपने खेल दिखाओ, आप अपने टेक्सटाइल दिखाएं, आप अपने पपेट दिखाएं, जो लैंग्वेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाएं, अपनी भाषा में बनाएं, तो आइडिया लें जादुई पिटारे से एनसीईआरटी का। और हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये फ्री टू डाउनलोड है, आपको जो भी चाहिए आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, बट आइडिया लीजिए यहाँ से, लेकिन अपना क्रिएट करिए अपनी भाषा में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने लोकल मटेरियल और लोकल खेलों के द्वारा। और हर बच्चे का एक पिटारा हो, हर टीचर का एक पिटारा हो, हर कक्षा का एक पिटारा हो, ये हमारा मैसेज है कि अपना अपना पिटारा क्रिएट करिए। आइडियाज हमारे पिटारे से लीजिए लेकिन अपना पिटारा क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच। आपण शुणुले मैडम आम को पूरा एलाबोरेट करके कहिले जे जो दीक्षा पोर्टाल रही एनसीईआरटी रो ये कॉन्सेप्ट को समस्ते नियंतु, समस्ते बुझंतु, बहुत जिनस से आमको देखेले बोली बोली कि से बाली उपरे मध्ये पिला माने खेली की चित्र आंकी परिबे, गुटे रीडिंग एरिया तांक रही जोटे कि चित्र माध्यम रे खेल माध्यम रे पिला माने बोरिंग जेमती न होबे। आम समय आम बोरिंग हो जाउछलु पाठ को लेकिन खास करी जेतेबेले प्रथम द्वितीय पढ़ुथुलु, किंतु से पिला माने खेल खेल रे निजर प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करी ही मूल उद्देश्य एनईपी रो। एवं बालबाटिकार ये कनसेप्ट वर्तमान प्रधानमंत्री आसला परे गत काली ये भारत मंडपम रो वायरल होउछि, समस्त को मध्य अनुरोध करिबा हम चैनल माध्यम रे समस्ते बालबाटिकार ये जो कनसेप्ट को निज घरे मध्य एस्टेब्लिश करि परिबे निज पिलार प्राथमिक शिक्षा पई। कैमरा पर्सन नीरज से गगन अर्गस न्यूज़।